OnePlus 8T सीरीज़ जो कि यार ऑफिशियली यहाँ पे गिगबेंच पे रिवील हो चुका है, तो इससे कंफर्म होता है कि OnePlus 8T जो कि इंडिया के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। और यार इस फ़ोन के बारे में बहुत सारे लेटेस्ट स्पेक्स भी रिवील हुए हैं जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस सीरीज़ में आप लोगों को दो स्मार्टफोन मिलने वाला है, OnePlus 8T और 8T Pro। पर इस वीडियो के अंदर हम लोग OnePlus 8T के बारे में बात करने वाले हैं। OnePlus 8T के अंदर यार हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोगों को OnePlus 7T के अंदर मिला था। 7T के अंदर एक लेटेस्ट कैमरा सेटअप मिला था, इस फ़ोन के अंदर भी एक लेटेस्ट क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहां पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलने वाला है। तो फाइनली OnePlus भी समझ चुका है कि इस फ़ोन के अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेड करना चाहिए, तभी ये मेरा सीरीज़ जो कि इंडिया के अंदर चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस से, जो कि यार ऑफिशियली यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। स्नैपड्रैगन 865G चिपसेट इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा, चिपसेट जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। काफ़ी अच्छा चिपसेट इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, सिमिलर टू दी OnePlus 8 सीरीज़ के जैसा चिपसेट इस फोन के अंदर मिल रहा है। तो नो डाउट यार परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस फोन के अंदर मिलने वाला है। 2.9 GHz पे क्लॉक है, 7 nm पे बेस्ड है ये चिपसेट, और ये चिपसेट जो कि 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड 11 के साथ आने वाला है, जहाँ पे ऑक्सीजन OS का सपोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। कैमरे के बारे में बात करते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि यार एक लेटेस्ट क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है, जहाँ पे आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का एक लेटेस्ट प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे OnePlus भी समझ चुका है कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यार आजकल का ट्रेंड है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो कि मिड रेंज के प्राइसिंग में हर एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो फाइनली OnePlus 8T के अंदर भी आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी के 3 सेंसर के बारे में अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है, पर इतना कन्फर्म है कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, एक टेलीफोटो लेंस होगा और एक माइक्रो सेंसर होगा। बात करते हैं फ्रंट के साइड में, तो लीक्स के अकॉर्डिंग यार यहाँ पे कन्फर्म हुआ कि 44 मेगापिक्सल का आप लोगों को एक सेल्फी शूटर इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, 6.67 इंच का डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को फुल HD+ का रेजुलेशन और 120Hz का स्मूथ हाइएस्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में फाइनली यहाँ पे सुपर एमोलेड का पैनल मिलने वाला है। डिस्प्ले में एक सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा, क्योंकि यार इस फोन के अंदर हम लोगों को फुल व्यू डिस्प्ले नहीं मिलेगा, ना इस फोन के अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म है कि एक सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा, जो कि शायद ही इस फोन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शिफ्ट किया गया है। डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, 5000 mAh का बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। काफी अच्छा बैटरी इस फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर बैटरी बैकअप भी नो डाउट यार बहुत अच्छा मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए इस फोन के अंदर 66W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, और ये फास्ट चार्जर जो कि एक वॉप चार्जिंग होने वाला है, और यार ये चार्जर जो कि इन द बॉक्स आने वाला है, और टाइप सी पोर्ट इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। रही बात इस फोन के प्राइसिंग के बारे में, OnePlus 8T का प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है, 35,000 से 40,000 रुपीज़ के रेंज में, 35,000 से 40,000 रुपये के प्राइसिंग में आप लोगों को OnePlus 8T जो कि इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस फ़ोन का एक प्रो वेरिएंट भी आएगा, जिसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट आप लोगों को 50,000 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो, ये था कुछ OnePlus 8T का लेटेस्ट अपडेट। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो कि अच्छा लगा है, तो देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अपना ओपिनियन बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। तो यार मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।